पास्ट में भी आईडी गई थी और आज भी आईडी गई है, तब भी कोई नहीं था सपोर्ट करने के लिए, आज भी कोई नहीं है। तुम पैनल यूज करते हो, खुद को एक्सपोज करो, सबको एक्सपोज करता था, अब खुद ही एक्सपोज हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। स्काई आर्मी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये तो हो गई 2 साल पुरानी बात। ठीक है, आपकी आईडी 2 बार बैन हुई थी और एक कभी कुछ हुई थी 5-6 महीने पहले। अभी कहाँ आईडी बैन हो गई भी? अच्छा, पाँच छः महीने वो पहले। वाला सीन हाँ, पैनल वाला। मैंने मैंने पहले सोचा था चलो हैक वैक लगाया था, उतना तक ठीक था, बट सुनने में आ रहा आपने एक चैनल डिलीट करा दिया था, स्ट्राइक देके 3। हाँ भाई, चैनल डिलीट करा दिया था। तो आप लोगों ने वीडियो का क्लिप देख ही लिया होगा शायद से। एंड गाइस, मेरे को ऐसा कुछ पता चला ना कि बॉस ऑफिशियल के बारे में, भाई मेरे को खुद को नहीं पता था कि बॉस ऑफिशियल में पास्ट में उसका आईडी भी बैन हुआ था, और इस बारे में मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था क्योंकि मेरे को ये सब पता भी नहीं था। एंड गाइस, बॉस ऑफिशियल ने किसी का चैनल पे स्ट्राइक भी मारा था, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन स्ट्राइक मारा था। एंड बॉस ऑफिशियल का गाइस जो आईडी था वो एक बार नहीं 2 बार बैन हुआ था। किस चीज के लिए बैन हुआ था एंड किसको स्ट्राइक दिए थे, सारा कुछ हम इस वीडियो में बोलने वाले हैं, दिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को फास्ट से लास्ट तक जरूर से देखना क्योंकि बॉस ऑफिशियल ने बहुत कुछ सच जो था वो छुपा के रखा, बट अभी के टाइम हम लोग को ये जो सच है वो पता चल गया। तो यही सच मैं आप लोगों को सामने लाऊंगा एंड आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जीस के कहां पे सच बोल रहा था और कहां पे झूठ बोल रहा। इस वीडियो के थ्रू मैं भाई सारा कुछ क्लियर कर देने वाला हूं क्योंकि ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी बॉस ऑफिशियल यश भाई के बारे में। एंड अगर कोई भी रिप्लाई वीडियो आता है बॉस ऑफिशियल के बारे में या किसी और के, तो हम जरूर से रिप्लाई देंगे। तो वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। हेटर लोग गाइस ये बोल रहे कि बॉस ऑफिशियल का जब पहली बार आईडी बैन हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था, गरीना ने उस आईडी को अनबैन करा दिया था, बट ये रियलिटी नहीं है, जो सच था गाइस फेसबुक की वजह से। आप लोग सोच रहे हो फेसबुक की वजह से, मतलब फेसबुक में गाइस आइडेंटिफाई लगने की वजह से गाइस ये गाइस आईडी जो था ऑफलाइन हुआ था, आईडी बैन नहीं हुआ था। ठीक है, यही रियलिटी था। एंड गाइस जो दूसरी बार है पैनल की वजह से जो आईडी बैन हुआ था, मतलब 6-7-8 महीनों के अंदर, तो वो जो था गाइस एक प्रैंक टाइप का वीडियो था, वो जाके आप लोग बॉस ऑफिशियल यश भाई के चैनल पे भी जाके देख सकते हो, वो डला हुआ है क्योंकि गाइस तब मतलब पैनल का बहुत ज्यादा सीन चल रहा था। तो वो गाइस सामने लाने के लिए गाइस आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रैंक किया था यश भाई ने, पर उस वीडियो में सारा कुछ यश भाई ने बोला है तो आप लोग जाके सुन सकते हो। एंड गाइस आप लोग सोच रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप लोग ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख लो तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। याद है आपकी आईडी बैन हुई थी आज से 10 महीने पहले, 10 क्या शायद 1-1.5 साल पहले, 8 महीने के लिए। उसका क्या सीन था, अनबैन कैसे करवाई थी फिर? मेरी आईडी तो भाई हमेशा ही बैन होते रहती है, क्या बताऊँ, कभी इसके वीडियो में कभी उसकी वीडियो में, मतलब चलते रहता है ये सब सीन। तो इधर उधर देखिएगा, कभी कोई बोलता है पैनल लगाने से हो गई, कोई बोलता है हैक लगाने से हो गई, मतलब कुछ भी चलता है। तो अनबैन ऐसे हुई थी, बात ऐसा है कि मैं हूँ गरीना का दामाद, ठीक है। तो फिर हाँ कभी भी मेरी कोई आईडी बैन होती है, मेरे को गरीना बैन कर देता है भाई 1 मिनट में। भाई जुगाड़ बुगाड़ है ना आपका पार्टनर प्रोग्राम में तो अच्छा खासा। हाँ भाई, मैं तो पार्टनर देख नहीं रहा, मेरे आगे दो दो वी बैच लगे हैं, सब में एक होते हैं, मेरे में 2 वी बैच है, एक आगे एक पीछे। देख भाई, ना मैं पार्टनर प्रोग्राम में हूँ ना कुछ ऐसा है। आईडी बैन नहीं हुई थी, आईडी पे लगा था लॉक, जिसके लिए आईडी वो रही थी, बंद रही थी 8 महीने तक। तो ये तो हो गई 2 साल पुरानी बात। ठीक है, आपकी आईडी 2 बार बैन हुई थी और एक कभी कुछ हुई थी 5-6 महीने पहले। अभी कहाँ आईडी बैन हो गई भी? पाँच छह अच्छा, महीने वो पहले वाला सीन हाँ पैनल वाला, पैनल वो लगाया तो था ना प्रैंक जब, करा था ना बे। पैनल कहाँ लगा लिया मैं, वो तो प्रैंक करा था ना मैं ब्रो, वो देख तो रहा इतने तेरे सारे चैनल लोग पे। दिखा रहे हैं पैनल वैनल लगाया था आपने, आईडी चली गई थी। और क्लिप क्लिप कौन सा दिखा रहा है जो हमने प्रैंक शूट करा था, वो तेरे चैनल पे है भी ना, उसका लिंक डाल दिया हाँ वही डिस्क्रिप्शन वाला। में ताकि लोग देख ले। भाई क्या ही बोले भाई, बुरा लगता है। और मेरे को ये लगता है उन बेचारे बच्चों के लिए कि भाई जो किसी की बातों में आ जाते हैं, मतलब कितने चूतिया हो भाई, थोड़ा सा मतलब। अब भाई ये 2019 साल, 2023 आने को, अभी भी 9 साल की रह गए तुम भाई, तो फिर छोड़ दो भाई, गेम ही छोड़ दो यार, कोई मतलब नहीं गेम खेलिए, एज ही नहीं बढ़ती तुम्हारी। भी आते दूसरे टॉपिक की। दूसरा जो टॉपिक है गाइस, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि 3-4 साल पहले एक दी इन्फिनिट नाम का एक गेमिंग चैनल था तो उसके ऊपर यश भाई ने स्ट्राइक मारा था। एंड गाइस मैं अगर बोल दूं तो उसके रिगार्डिंग मेरे को पर्सनली कुछ नहीं पता कि क्यों स्ट्राइक दिया था। एंड गाइस जो पता है गाइस, वो स्ट्राइक जो दिया था यश भाई की तरफ से आया था। एंड गाइस यश भाई ने खुद नहीं दिया था, मतलब उनकी तरफ से आए थे। एंड गाइस वो जो स्ट्राइक था गाइस, उसने खुद यश भाई ने खुद ही हटाया था वो 3 स्ट्राइक। तो अगर आप लोगों को पता है ना, अगर 3 स्ट्राइक नहीं हटाते तो चैनल डिलीट भी हो जाता, तो इसीलिए यश
भाई ने ये सोच के ये चैनल मतलब जो स्ट्राइक था जीएस भाई ने बाद में जब रिलायंस हुआ कि वो गलत कर रहे हैं तो वो जो तीन स्ट्राइक था वो बंदे के चैनल से हटा दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि किसी का चैनल पे अगर तीन स्ट्राइक पड़ता है तो चैनल डिलीट हो जाता है। तो इसलिए यश भाई ने तब क्या किया था, वो जो चैनल का था मतलब स्ट्राइक जो था वो हटा भी लिया था यश भाई ने खुद ही। और मैं आप लोगों को और एक छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे बातों से आप लोग अच्छा कि यश भाई के मुंह से आप लोग खुद ही सुन लोगे तो और भी ज्यादा आप लोगों को क्लियर मिलेगा। बट सुनने में आ रहा आपने का चैनल डिलीट करा दिया था स्ट्राइक देके तीन। हाँ भाई चैनल डिलीट करा दिया था, सही है भाई, इसलिए उसका चैनल अभी भी है। देखो वो सीन क्या हुआ था, वो स्ट्राइक मेरे साइड से गई थी, ठीक है। हाँ। ये मैं मानता हूँ और ये मेरी गलती थी, मैंने लाइफ में आज तक दो गलती करी है, ठीक है। सबसे पहला तो ये चूतिया M10 को सपोर्ट करना है स्टार्टिंग में, जो कि सबसे बड़ी गलती, जिस गलती को मैंने बाद में सुधार भी लिया था, जो कि मैंने बाद में बहुत अच्छे से प्यार देके उठा के लिटा के सुला के सुधार भी लिया था उसको, है ना, पूरा प्यार मिला है हमारे साइड से उसको। दूसरा सीन आता है ये चैनल डिलीट वाला, तो स्ट्राइक गई थी मेरे साइड से, मैंने नहीं मारा था वो स्ट्राइक, उसमें ना मेरा नाम है ना मेरा जीमेल है, ठीक है। तो स्ट्राइक गई थी, बट मैं ही वो बंदा था जो तीनों स्ट्राइक खुद से हटाया भी था। अगर स्ट्राइक नहीं हटाता तेरे को पता है ना चैनल डिलीट हो जाता है तीन स्ट्राइक पे। हाँ, तीन वो बंदे का चैनल अभी भी है, सब कुछ है, तो फिर कहाँ से बोल सकते हो भाई। देखो कोई भी गलती को तभी गलती माना जाता है जब वो गलती आप सुधारते नहीं हो, वो गलती होने से पहले ही अगर आप उसको सुधार लेते हो तो उसको गलती बोलना मतलब आप गधे हो फिर भाई। छोड़ इन चीजों से अपना क्या है मतलब भाई, अपन अपना काम कर रहे हैं, जो ऑडियंस अपने साथ थी अपने साथ है, और कुछ चाहिए नहीं। और रही बात पिकाचू की तो नहीं चाहिए भाई, बॉस ऑफिशियल हेट्स पिकाचू, पिकाचू हेट्स बॉस ऑफिशियल। दूर रहो भाई, बात खत्म। हाँ दूर रहो भाई, ये बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होता है, इन पिकाचू से बच के रहो। किसी को भी अब्बा बना लेते हैं तो अब्बा नहीं बनना, अपन को सपोर्ट ही काफी है ऑडियंस का। और सब्सक्राइब करवाया कि अगर बॉस आर्मी हो स्काई आर्मी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वाह भाई, अरे हाँ मैंने एक यूट्यूबर का देखा था बोल रहा अगर स्काई आर्मी हो तो सब्सक्राइब कर दो, और जब अच्छे खासे बढ़ गए बाद में क्लिप कट कर रहा है तो वीडियो में से। बाद में क्लिप कट कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे बंदे हैं भाई, क्या ही बोलना है। तो आप लोगों ने सारा कुछ क्लियर सुनी लिया होगा सारा कुछ, एंड अभी आते हैं गाइस तीसरे टॉपिक की। और तीसरा जो टॉपिक था यश भाई के बारे में, यश भाई बोल रहे थे बहुत बंदे की मोनेटाइजेशन ऑन करके पैसे छाप रहे थे, तो इसके रिगार्डिंग भाई यश भाई ने कोई पैसा नहीं छापाया था। मैंने सारा कुछ वीडियो आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में दिखाया था कि मोनेटाइजेशन ऑन था, बस 3 रुपए कमाए थे। 3 रुपए तो छोड़ो भाई, वो हो जाता है वो गलती से, मतलब ऐसा नहीं कि भाई यश भाई ने क्या बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑन करके 3 रुपए कमाया, वो सारा मोनेटाइजेशन जो होता है जब एक साथ ऑन करते हैं तो वो हो जाता है। बट गाइस आप लोगों को मैं आप लोगों को चीज बता देता हूँ, जो जीएस के था आप लोगों ने देखा होगा हर एक एक्सपोज वीडियो में भाई प्रमोशन मार रहा था, उसके ऊपर अगर आप लोग स्काई आर्मी हो बॉस आर्मी हो ऐसे ऐसे करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहा था, भाई आप लोग यार कैसे मैनिपुलेट हो सकते हो। बट छोड़ो मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट जो बंदे हम लोग के सपोर्ट में ऑलवेज सपोर्ट में रहेंगे, एंड जो पिकाचू बंदे जो उनको समझ नहीं आता तो उनको कभी समझ भी नहीं आएगा, वो लोग बस कभी व्हाइट ट्रिपल फोर को अब्बा मान लेते हैं कभी जीएसके को अब्बा मानते हैं। तो ये कुछ सारा कुछ छोड़ो आप लोग अभी के टाइम जो जीएसके रेंडी रोना कर रहा है कि मैं चैनल डिलीट कर दूंगा मैं सुसाइड कर लूंगा, तो वो कैसे कर रहा है मैं आप लोगों को एक ट्रेलर दिखाता हूं, क्योंकि अभी के टाइम गाइस मेरे खुद के चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है। तो गाइस अभी के चैनल मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है, एक स्ट्राइक मेरी इतने दिनों का मेहनत था, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोच रहा हूं मैं सुसाइड कर लूं। मैं जा रहा हूं गाइस इस फ्री फायर कम्युनिटी से, क्योंकि गाइस भाई बिना फोकट के किसी ने मेरे चैनल पे ऊपर स्ट्राइक दे दिया, मैं गाइस सुसाइड कर लूंगा और चैनल भी मैं डिलीट कर लूंगा गाइस, क्योंकि गाइस मेरे को स्ट्राइक दिया गया है बिना फोकट का, मैंने किसी को स्ट्राइक भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया गाइस, मैं क्या ही करूँ यार। आप लोग कैसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ दिख जाएगा एक लिंक, मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, आप लोग जाके यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के टाइम गाइस ऐसे ही गाइस मैनिपुलेट किया जा रहा है जीएस के, ऐसे ही गाइस वीडियो बना के आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप लोग ये सब ध्यान में मत देखना। एंड गाइस अभी के टाइम गाइस सच में मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई है, मैं आप लोगों को दिखा भी दिया था, तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक होगा, जाके यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल अगर नहीं रहेगा तो आगे से हम उस चैनल पर वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ यार कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।